नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दवा का ज्ञान अपने आप में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे रेड कलर के बटन को क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने श्री गोपाल तेल का रिव्यू लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको श्री गोपाल तेल के फायदे, उसके इंग्रेडिएंट सभी के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। दोस्तों, सबसे पहले श्री गोपाल तेल के बारे में बात कर लें, इसकी पैकिंग की। तो 50 ml की पैकिंग होती है तथा MRP की बात करें तो लगभग 300 रुपये की MRP में किसी भी मेडिकल स्टोर पर ऑनलाइन साइट पर आपको यह मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसको ऑनलाइन खरीदने का लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसको आसानी से परचेस कर सकते हैं। बात करते हैं इसको किस कंपनी द्वारा बनाया जाता है। तो इसको वैद्यनाथ, डाबर इत्यादि जानी मानी आयुर्वेदिक कंपनियों द्वारा बनाया जाता है, साथ ही साथ कुछ लोकल्स कंपनियों द्वारा भी इसको बनाया जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसका यूज़ करें तो डाबर वैद्यनाथ में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही बेस्ट रहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके इंग्रीडियंट्स की, यानी कि इसमें कौन कौन सी जड़ी बूटियों से मिलकर इसका निर्माण होता है। वैसे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, बहुत ही स्पष्ट रूप से इसकी पैकिंग में आपको देखने को मिल जाएंगी कि इसमें कौन कौन सी जड़ी बूटियों का निर्माण किया गया है। वैसे इसमें मुख्यतः अश्वगंधा, सफ़ेद चंदन, शतावरी, तिल तेल, साथ ही साथ केसर का प्रयोग किया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। अब हम बात करें इसके फ़ायदे की, यानी कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला इसका फ़ायदा जो होता है, यह स्मरण शक्ति को तीव्र करने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। जिन लोगों की स्मरण शक्ति बहुत ही कमज़ोर हो गई है वह इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी नियमित रूप से मालिश करने से आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, साथ ही साथ बुद्धि भी आपकी तीव्र होगी। अब बात करते हैं इसका अगला फ़ायदा, इसका अगला फ़ायदा क्या होता है। दोस्तों, यह बात रोगों में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। अगर आपको वायु से संबंधित किसी भी प्रकार का विकार है, चाहे वायु से संबंधित दर्द हो रहा है, आपके कमर में दर्द, पीठ में दर्द, आपके गर्दन में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, किसी भी तरह का अगर आपके शरीर में दर्द है तो आप इस तेल की मालिश कर सकते हैं। इस तेल की मालिश करने से बात रोग नष्ट होते हैं, साथ ही साथ यह प्रमेह रोग में भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। पुरुषों में प्रमेह रोग पाया जाता है, इस प्रमेह विभिन्न प्रकार के होते हैं, इन सभी प्रकार के प्रमेहों में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ यह महिलाओं में भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, महिलाओं के लिए भी बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। जिन महिलाओं के गर्भ ठहरने में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, जैसे कि गर्भपात हो जाना या फिर गर्भस्राव हो जाना इत्यादि समस्याओं को दूर करके यह गर्भ को बलवान बनाने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। इसके नियमित मालिश से गर्भ बलवान होता है, साथ ही साथ यह उन्माद, अपसुमार, साथ ही साथ सिरदर्द एवं मिर्गी जो कि अपसुमार रोग होता है मिर्गी में, साथ ही साथ दिमाग की कमजोरी या फिर सिरदर्द की समस्या में यह बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। इसके नियमित रूप से मालिश करने से विभिन्न प्रकार की यह समस्याएं भी समाप्त हो जाती है, साथ ही साथ यह वीर्यवर्धक होता है। अगर आपके आपके वीर की कमी हो गई है तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपका वीर बहुत ही कम मात्रा में बनता है तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके उपयोग करने से वीर हमारा अच्छी मात्रा में बनता है, साथ ही साथ नपुंसकता नाशक होता है। अगर आपको नपुंसकता की शिकायत है, आपके लिंग में पर्याप्त मात्रा में तनाव नहीं आ पा रहा है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में यह बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, साथ ही साथ यह शीघ्र पतन नाशक भी होता है। अगर आपको शीघ्र पतन की शिकायत है तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके प्रयोग करने से शीघ्र पतन की भी समस्या नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों, यह रहे श्री गोपाल तेल के फायदे। अब हम बात करते हैं इसको किस तरह से उपयोग करना है। दोस्तों, इसको उपयोग मालिश करके करना है। आपको जिस रोग में आप इसका प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि नपुंसकता में, तो आपको इसका लिंग पर मालिश करनी है। साथ ही साथ अगर आपको सिरदर्द की शिकायत है तो आप सिर पर मालिश करेंगे। अगर आपके गर्भाशय के लिए आप इस्तेमाल करना है तो आप पेट पर मालिश करेंगे, इसलिए इसका अंग विशेष पर मालिश की जाती है। दोस्तों, यह बता दें कि ये पुरुषों के नपुंसकता के लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उपयोगी और बहुत ही कारगर तेल माना जाता है। बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है, जैसा कि हमने अपने सब्सक्राइबर्स के रिव्यूज़ को देखा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको श्री गोपाल तेल के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान कराने की पूरी कोशिश की। अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल या मन में किसी भी तरह का डाउट रह गया तो नीचे कमेंट करके हमसे जरूर पूछें।
आपको अवश्य रिप्लाई मिलेगा। और वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, वीडियो अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक का बटन दबाएं, लेकिन दबाएं जरूर। और दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।